पैगंबर इस्लाम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, अब मैं किस तरह से उनसे सिला रहमी कर सकता हूं, क्या कौन कौन सी नेकियां उनके लिए कर सकता हूं। पैगंबर ने फरमाया कि चार हकूक तुम्हारे वालिदैन के तुम पर अब भी बाकी, चार हकूक। नंबर एक, दुआ, दुआ में कभी उनको फरामोश ना करना। नंबर दो, उनके किए गए वादों को पूरा करो, यानी जो उन्होंने जो वादे दूसरों से करके गए हैं उनको पूरा करो। तीसरी चीज ये है कि उनके दोस्तों का इज्जत इकराम करो। आमतौर पर ये होता है कि वालिद मसलन बूढ़े थे, इंतकाल कर गए, उनके जान पहचान वाले जो जाहिर है जो उनके हम उम्र उनके दोस्त होंगे वो भी बहुत बूढ़े होंगे, तो लोग आमतौर पर उनकी तरफ देखते नहीं है, इल्तफात भी नहीं करते। पैगंबर ने फरमाया कि ये जो चार हकूक हैं तुम्हारे वालिदैन के, उनमें से एक उनके दोस्तों का इज्जत और इकराम अभी भी करना है, और नंबर चार, अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ नेकी करते रहो, क्योंकि अब उनके रिश्तेदार भी जैसे बहुत अब हमारे लिए बड़े पुराने और बूढ़े वो हो गए हैं, और हम बहुत सारे लोग उनसे बात करने के लिए जाना भी पसंद नहीं करते।